उस पे बैठो, हम जीटी चलाएंगे थोड़ा। मेरा जो हेलमेट वाला माउंट है वो खुल के निकल के आ गया। सूखा रास्ता मिलते साथ ही हम लोग 125 के नीचे उतार ही नहीं रहे गाड़ी। हो गया, काफी है, थैंक यू। तो जिस राइड का बहुत टाइम से इंतजार था वो राइड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ सोमो चैटर्जी, आप देख रहे हैं नेचर मोटो और ये है मेरे लद्दाख राइड सीरीज का 2024 का एडिशन, जिसमें मैं चला रहा हूँ अपना BMW GS850। मेरे साथ है शारण्यदा जो चला रहे हैं अपना कॉन्टिनेंटल GT650। तो हमारा जो जर्नी का पहला लेग जो मोस्ट चैलेंजिंग लेग था वो था 1570 किलोमीटर चला के खड़गपुर से पहुंचना न्यू दिल्ली। तो इस ब्लॉग का शुरुआत जो होता है वो होता है खड़गपुर से, और आपको देखने को मिलेगा मेरा पूरा जर्नी कैसा रहा और भैया का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि GT650 चला के क्या एक्सपीरियंस रहा उनका 1500 किलोमीटर तक का GT में वो भी। तो शुरू करते हैं ये ब्लॉग, आप देखते रहिए दिल्ली तक का सफ़र। तो जी शुरू हो चुका है अपना लद्दाख 2024, मी विथ माई BMW शारण्यदा, थोड़ा आगे बढ़ जाओ, एंड शारण्यदा विथ इस GT650, द रेस विथ द ट्विंस टू द माउंटेन्स। लद्दाख राइड का सबसे पहला चैलेंज जो है वो शुरू हो चुका है। वो पहला चैलेंज ये है कि हम लोग को चलाना है लगभग 2000 किलोमीटर पहाड़ों तक पहुँचने के लिए। आगे 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 वहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, जो थोड़ा वो फुल कर दो। एक चैलेंज होगा कि उसका गाड़ी में 12 लीटर का टैंक, मेरा है 23 लीटर, वो जाएगा 200 किलोमीटर तेल भराएगा, मैं 400 किलोमीटर भराना पड़ेगा। तो भाई भरा लिए हैं पेट्रोल, बाय बाय खड़गपुर, सी यू आफ्टर 25 डेज। तो भाई हमेशा खड़गपुर से मैं निकल जाता हूँ सीधा उस तरफ टूवर्ड्स आसनसोल, लेकिन मेरा इस बार का रूट थोड़ा अलग ले रहा हूँ। ये मैं पहले भी क्या 2021 में जब लद्दाख जा रहा था तो ये रांची हजारीबाग होके फिर बरही होके फिर कनेक्ट कर जाऊँगा, तो इस तरफ से जाना 1 घंटा डिस्टेंस कम पड़ेगा। हम लोग को झेलना पड़ेगा गर्मी, ह्यूमिडिटी, बारिश और कहीं कहीं पर तो इतना भयानक लू जैसा हवा चलने लगता है कि मान लो इरिटेटिंग लगता है गाड़ी चलाने में। लेकिन ये सारे चैलेंजेस को पार करके हम लोगों को चलाना है खड़गपुर से लेके न्यू दिल्ली, फिर न्यू दिल्ली से लेके एटलीस्ट मनाली तक। उस तरफ में दूर में पहाड़ी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, लद्दाख के पहले वाटर क्रॉसिंग आना चालू हो गए। धीरे लेना, वो चक्का का मिट्टी पूरा बैग में फैलेगा, थोड़ा सा आराम से चलाओ फिर उसके बाद ले लेना स्पीड में। वो देखो लेफ्ट में पूरा पहाड़ी पहाड़ी, एकदम मस्त व्यूज आ रहा है। ये BMW का जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है इतना बढ़िया और डिटेल सब कुछ बताता है ना, हम लोग लगभग 1 घंटा 19 मिनट का राइड कर चुके हैं और पूरे राइड में हम लोग जो है स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर का एवरेज है। ये हर एक बटन के प्रेस में मिल जा रहा है, टायर प्रेशर कितना है, 434 का रेंज अभी भी दिखा रहा है, और हम लोग घर से चला चुके हैं लगभग 97.5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हैं। ये ऐसा पीसफुल और इस तरह के पेस से चलाएंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो भाई घर से निकल कर लगभग हम लोग चला चुके हैं 130 किलोमीटर और हम लोग लगभग जमशेदपुर के आसपास पहुंच गए हैं। गाड़ी बहुत मस्त चल रहा है, एकदम पूरा मतलब बिल्कुल दिक्कत ही नहीं हो रहा, डिस्टेंस का पता भी नहीं चल रहा, एकदम आराम से बैठ के चला रहा था मैं। और क्योंकि अभी तक थोड़ा लेट से ही निकले हैं दिन में, मेरा एक्चुअली नॉर्मली राइड जो होता है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू करता हूँ, बट इस बार का राइड मैं क्या किया हूँ कि थोड़ा शाम को शुरू किया हूँ लाइक लास्ट टाइम। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा रात में ना जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो सके वो कवर कर लेने का, तो इसलिए डे लाइट यूज़ करते करते हम लोग इतना दूर तक चला लिए, थोड़ा चाय वाय पियेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे अपना जर्नी आगे। चलो चाय वाय पी के एकदम तैयार, और अभी पूरा एकदम रात को चलाना है इसलिए पूरा राइडिंग गियर एकदम अच्छे से पूरा चेन मेन लगा लिए, पैंट के राइडिंग पैंट के साथ उसको अटैच कर लिए हैं। ये विंडशील्ड बहुत बड़ा बून है मेरे लिए क्योंकि इतना दूर चला है ना, बिल्कुल भी विंड ब्लास्ट लगा नहीं है मेरे को, तो विंड ब्लास्ट के चलते जो थकान होता है वो मेरे को हो नहीं रहा है अभी। यहाँ से रांची का डिस्टेंस रह गया है लगभग 160 किलोमीटर के आसपास, तो पता नहीं तुरंत ही कवर हो जाएगा, रास्ता तो ऐसा ही है। चलाते हैं आगे बढ़िए पुत्रू। साढ़े चार बजे से 6:30 बजे तक एकदम आराम से बिना ट्रैफिक में चलाने के बाद अभी जमशेदपुर का थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, और ये सामने वाले ऑल्टो को देखो, इसको पता नहीं है कि हाईवे पे है, पता नहीं कैमरा में समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन सामने पूरा पहाड़ी है,
एकदम पहाड़ के नीचे नीचे से जा रहे हैं हम लोग। जीटी को जरूरत पड़ गई है तेल का, वहाँ देखो भरा रहा है पेट्रोल। अभी भी मेरा 360 किलोमीटर का टैंक रेंज दिखा रहा है। माइलेज पता है कितना दे रहा है, 4.6 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज कर रहा है पर 100 किलोमीटर, मतलब मोर देन 20 किलोमीटर पर लीटर मिल रहा है मेरे को। ये देखो चढ़ाई पे बस भी नहीं जा पा रहा है, ट्रक भी नहीं जा पा रहा है, और वो वाला ट्रक पूरा रास्ता घेर के रखा हुआ है। यही होता है अपने हाईवे पे, क्या कर सकते हैं। 283 किलोमीटर टू वाराणसी, हम लोग बरही का एकदम सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए बरही। हम लोग खड़गपुर से उधर से आते तो इस रास्ते आना पड़ता सीधा, और यहाँ भी देखो कितना मस्त बारिश हो चुका है। मुझे याद है 2021 में जब मैं इधर से गुजर रहा था तो बरही एंटर करते साथ ही भयानक बारिश हुआ था। यहाँ पे किसी एक दुकान पे मैं रुका था, यहाँ पे इस वाले गैराज में कहीं पे तो रुका था, और मैं इस बोर्ड का स्टोरी डाला था वाराणसी गया, पहला स्टोरी डाला था लद्दाख का कि कहाँ जा रहा हूँ गेस करो। इतना बढ़िया चलाए हम लोग 400 किलोमीटर रास्ता, अगला 300 किलोमीटर रास्ता हम लोग का परीक्षा लेगा, अग्नि परीक्षा। 2017 से बनी रहा है ये सब रास्ता, कब जाकर खत्म होगा नहीं पता। ट्रक का लाइन देखो, आगे आ जाओ, मैं देखते रहूँगा, आगे आ जाओ। मेरा तो कुछ गिरने लायक है नहीं, आप आगे रहोगे तो मैं कम से कम देख लूँगा कि कुछ गिर रहा है कि नहीं गिर रहा। अभी एग्जैक्टली 12:01 हो रहा है, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं चौपारण। तो टोटल 450 किलोमीटर का राइड कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर बैठ के थोड़ा चाय वाय पी रहे हैं, अपने को री एनर्जाइज कर रहे हैं। अभी ट्रैफिक एकदम हल्का रहेगा ना, इसलिए जितना हो सके हम लोग खींच देंगे, कोशिश करेंगे कि वाराणसी पार कर जाए। वाराणसी यहाँ से लगभग 260 किलोमीटर के आसपास बाकी रहेगी। बस ये जो बिहार का जो रोड है मोहनिया तक, वहाँ तक थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, फिर उसके आगे तो रोड आपको पता ही है, सबको पता है कि कितना बढ़िया है। एक घंटे का रेस्ट हो गया, 4:20। अभी देखते हैं कहाँ तक एनर्जी रहता है, जितना एनर्जी रहेगा उतना ही चलाएंगे, उसके बाद कोई होटल लेकर रुक जाएंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 12 आवर्स, वी आर आउट ऑफ होम। 5 AM इन द मॉर्निंग, धीरे धीरे सब पूरा रोशनी खुल रहा है, और रोशनी खुलते साथ ही आसमान में बादलों का दर्शन हुआ है। तब से हम लोग बरही से ये हाईवे पकड़े हैं, उसके बाद से पूरा ये डाइवर्शन वाला गेम हो रहा है अपने साथ, हर तरीके का एडवेंचर। आई मीन इट्स अ वार्म अप फॉर द लद्दाख राइड, इट मेक्स सेंस एक्चुअली। सो ये सब किस चीज़ के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और दोनों का एनर्जी लेवल अभी थोड़ा सा डाउन है। मस्त यही मुल्तानी मिट्टी, अभी सुबह हुआ है ना, फेस पैक दे रहा अपने को, 4 किलो फेस पैक लगा के फिर हम लोग फेस वॉश करेंगे होटल में रुके, ठीक है ना। वाराणसी हम लोग पहुंच गए थे सुबह के 6:30 तक, तो लगभग हम लोग को लग गया 13 घंटे वाराणसी पहुंचने में। बरही तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बरही से लेके जो वाराणसी तक का रास्ता है वो पूरा का पूरा डाइवर्शन वाला रास्ता है, एंड मैक्सिमम स्ट्रेचेस पे जो डाइवर्शन है वो भी एकदम गंदा कंडीशन पे। मैं तो चलो फिर भी मैनेज करके चला ले रहा था, लेकिन चारणता को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा था वो ऑफ रोडिंग वाले सेक्शंस पे, बट स्टिल ही मैनेज, पता नहीं कहाँ से एनर्जी लाए कि रोड दैट जीटी फॉर 700 किलोमीटर्स टू रीच वाराणसी। तो वाराणसी सुबह 6:30 आसपास पहुंचने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि क्या करें, फिर होटल लेने का डिसीजन ले लिए। तो 80 घाट के पास आके हमने ले लिया होटल, और सुबह को नींद तो ऑफकोर्स आ रहा था, लेकिन कुछ खाना भी खाना था, तो हम लोग 80 घाट गए, थोड़ा सा 80 घाट घूमे, और फिर ब्रेकफास्ट करके हम लोग रूम पर आके सो गए थे। फिर दोपहर को लंच वंच करने निकले, फिर रूम पर आके सो गए, और शाम को पिज्ज़ा वगैरह खाने निकले थे, फिर रूम पर आके सो गए। तो अभी बज रहे रात के 12, और हम लोग डिसीजन ये ले रहे हैं कि रात को ही मतलब 2-3 बजे के आसपास अपना राइड स्टार्ट करके दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि ये गर्मी में चलाया बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जितना स्ट्रेच हो सके हम लोग सुबह मतलब ये सुबह होने के पहले ही कंप्लीट कर देना चाहते हैं। सुबह का लाइट मुझे जब भी दिख गया, पूरा रोड का व्यू मुझे क्लियर होने लगा, तो मुझे चलो अब तो नहीं रुकना है, अब तो मिनिमम स्पीड 120 रहेगा, चलो। तो वो जो हम लोग 40 मिनट्स या 50 मिनट्स हम लोग खींचे हैं ना, मतलब वो 40-50 मिनट्स में हम लोग 100 किलोमीटर्स क्लियर कर लिए। ट्रिप टू फिर से रीसेट हो जाता है, जब भी बाइक स्टार्ट करता हूँ ट्रिप टू रीसेट हो जाता है। मेरा टैंक रेंज 273 किलोमीटर दिखा रहा है, 273 किलोमीटर चलेगा अभी।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये मुस्टैच हॉस्टल है, यहाँ पे रूम नहीं मिला मेरे को, इसलिए वो कोजी कॉटेज वाले में रुक गया। बहुत बढ़िया था, बंदा भी अच्छा था यार, फ्रेंडली एकदम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU को, ITBU BHU। रात के 2 बजे भी कितना एक्टिव है सब, ऑटो वाला भी सब अवेलेबल है। ये वाला जो अभी नाला जैसा जो है ना, ये इसके नीचे यही है अस्सी रिवर और नाला बन गया पूरा। तो अभी हम लोग जो डिसीजन ले रहे थे कि सोच रहे थे वाराणसी से जौनपुर सुल्तानपुर होके लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ ले, मतलब जो बेसिकली वाराणसी से लखनऊ की तरफ हाईवे जाता है वो वाला पकड़ के जाए। फिर हम सोचे कि उतना दूर जाएंगे, फिर कटेंगे, फिर क्या होगा नहीं होगा, और इसमें भी सिक्स लेन रोड बना हुआ है, तो इसी में हम लोग निकल जा रहे हैं, जो पुराना वाला जो रोड है जिससे मैं हमेशा जाता हूँ। तब बढ़िया यार, यहीं से गाना वाना चेंज कर सकता हूँ मैं पूरा मस्त। बस इंटरकॉम कनेक्ट करने के लिए मेरे को पुरानी वाला दबाना पड़ेगा। वाराणसी के बाद रोड तो बढ़िया मिल रहा है, लेकिन दिक्कत इस चीज़ का है कि रॉन्ग साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है। पता नहीं किस रीजन से वो वाला लेन बंद करके रखा हुआ है, तो तेज चलाना चाह के भी हम लोग तेज नहीं चला पा रहे। देखो इस ट्रक को घुस के सारा लेन घेर दे रहा, कोई फोर व्हीलर आएगा एकदम तेजी से तो घुस नहीं जाएगा इस ट्रक में। देखो भाई दरा दरा दर जो ट्रैक्टर के पार होते तो दरा दरा हंसते ई बाबा दरा ट्रैक्टर फेरी जा आसो आसो। ओ बाप रे बाप, पूरा पानी जमा, ए पूरा जूता भीग रहा है लग रहा है। पूरा रास्ता कल रात भर बारिश मिला है, लग रहा है कि इस रास्ते में पूरा रात भर बारिश हुआ है। शुरू हो गया बारिश, लेट्स गेट रेडी फॉर द रेन एंड राइड। चलो वक्त है कैमरा वैमरा सब खोल के अंदर रखने का, क्योंकि ये कैमरा तो वाटरप्रूफ है, मतलब बाहर से वो कवर लाना भूल गया मैं, तो इसको अंदर रखते हैं एंड रेनकोट पहनते हैं। बारिश के चलते अपना राइड स्लो हो गया है, बहुत ज़्यादा ही स्लो हो गया है, और रेनकोट खोलने का भी मन कर रहा है, नहीं भी मन कर रहा है पूरा, मतलब कहीं कहीं पे हो रहा है बारिश, कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है। उस तरफ देखो जैसे पूरा काला बादल है भाई। जो सोच रहा था वो सही हो गया यार, 7:07 हो रहा है अभी। देखो हम लोग चढ़ गए हैं कानपुर वाले फ्लाईओवर पे, बीच में खींच दिया ना 140-145 ऐसे स्पीड में खींच रहे थे दोनों, बढ़िया मेकअप हो गया टाइम। सब गंदा हो गया मेरा वाइज़र सब गंदा हो गया, इसको कहीं पर रुक कर धोना पड़ेगा नहीं तो व्यू अच्छा नहीं आएगा। रेनकोट खोल दिए, भयानक गर्मी लगने लगा था अभी धूप पे। चलो चलो कहीं रुकेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, मेरे को पॉटी भी आ रहा है। डिनर किए वाराणसी में, पॉटी किए कानपुर में, लंच करेंगे दिल्ली में उस पर बैठो, हम जीटी चलाएंगे थोड़ा, रोड इतना मस्त है हमको GT चलाने का मन कर गया। सुनेंगे GT वाला कैसा, अरे कहाँ है रे, स्टार्ट हो जा भाई, कैसे होता है? अच्छा हाँ, चलो भाई पैर बहुत पीछे है इसका, खतरनाक। अब सारा कचरा मेरे बॉडी पे लगेगा, कचरा नहीं धूल मिट्टी कीड़ा मकोड़ा सब तो लगेगा, कैसे चलाते। अरे बाप रे, इनको भी यहीं पर लड़ाई कर रहा था अभी हाँ वो गाय वहाँ पे हो गया काफ़ी है, थैंक यू गजब है गजब भाई। पेट्रोल वेट्रोल भरा के वापस आ गए बाइक पे, और 390 किलोमीटर बाकी है दिल्ली पहुँचने को, 390 किलोमीटर। जाओ जाओ पार हो जाओ, दारी जा 180 रुपया दोनों बाइक का, 90 मिल गया एक्सप्रेस पे। अब भगाओ पूरा भगाओ, जहाँ तक भगाना दिल्ली तक सिर्फ भगाओ।
भागो और भागो। मेरा जो हेलमेट वाला माउंट है वो खुल के निकल के आ गया, अभी हाथ में पकड़ा हुआ है। कुछ भी सेटअप नहीं है, दिल्ली जाके ठीक करना पड़ेगा। ठीक है ना, दिल्ली पहुँचने तक कोई फुटेज नहीं। तो कल शाम को 3:30 के आसपास हम लोग दिल्ली पहुँच गए थे और बहुत बढ़िया राइड रहा हमारा। भैया ने भी पूरा GT एकदम मस्त तरीके से चलाया, बट हम लोग जब से वो आगरा एक्सप्रेसवे पे चढ़े उसके बाद से पूरा का पूरा रास्ता हम लोग को बारिश मिला। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे जो कैमरा का चेन माउंट है वो खुल के निकल गया था, और 360 कैमरा भी लगा के ज़्यादा देर चला नहीं पाता क्योंकि बारिश में वो स्लिप होकर बार बार लूज़ हो जा रहा था। तो जैसे तैसे तो मैं पहुंचा, फिर दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद नहा धो के फ्रेश होकर मैं गया पाथ फेवर्स। वहाँ पर मुझे टैंक बैग लेना था और पाथ फेवर्स में बढ़िया गाड़ी का वॉशिंग भी करा के एकदम रेडी कर लिया गाड़ी को अगले जर्नी के लिए, मतलब अगले दिन के जर्नी के लिए। तो कल पाथ फेवर्स के यहाँ से ये 3M टेप लाया था, उसी से अपना हेलमेट का जो माउंट है उसको जुगाड़ करके लगाया। इसका जो ग्लू होता है बहुत घटिया होता है, तो ये मजबूत चीज़ है, इससे लगाया और MCL मंगाया, उसको नीचे से ऐसे भर दूंगा ताकि कहीं से हवा ना घुसे। आज है 25th of July, तो यहाँ पे हम मुस्ताज हॉस्टल पे जहाँ पे मैं हमेशा आके रुकता हूँ, तो मुस्ताज हॉस्टल में यहाँ पे रिलैक्स कर रहे, चिल कर रहे। 2 दिन का राइड पूरा एकदम 1500 किलोमीटर का राइड, खतरनाक राइड हुआ। और BMW का जो फ्यूल का जो माइलेज मिला मेरे को वो लगभग 22.5 के आसपास का माइलेज मिला। मैं क्रूज कर रहा था 100-110 पे, कभी कभी तो 140-145 पे भी चला रहा था एक्सप्रेसवेज पे, तो बिल्कुल भी माइलेज ड्रॉप नहीं हुआ। ऐसा है नहीं है कि मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है करके माइलेज ड्रॉप, तो कॉन्स्टेंट माइलेज एकदम ऐसा जो हाईवे पे मिलना चाहिए 6 गियर पे वैसा ही माइलेज मिल रहा था BMW पर। बहुत बढ़िया लगा मेरे को चला के, और बीच में थोड़ा देर के लिए GT भी चलाया वहाँ। 13-13 घंटे का डेली रेस्ट तो एक दिन रेस्ट तो बनता ही है। 26th को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से मनाली की तरफ। तो चलो, आई होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके बताओ। विद दैट थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द रेस, थैंक यू फॉर वॉचिंग नेचर मोटो।